नमस्कार, स्वागत है बीआरजी न्यूज़ में। वडोदरा में एमडी ड्रग्स के काले कारोबार को एसओजी पुलिस द्वारा पर्दाफाश किया गया। वडोदरा के कारेली बाग इलाके से एक महिला को ड्रग सप्लायर के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। आइए देखते हैं कि और कौन कौन शामिल है इस महिला के साथ इस खास रिपोर्ट में। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक शहर के कारेली बाग एरिया में बहुचराजी रोड पर स्थित नांजी चैम्बर के पहले मंजिल पर रहने वाली पूर्वी राणा नाम की महिला को पुलिस ने ड्रग सप्लाई के आरोप में गिरफ्तार किया है। पूर्वी राणा के साथ मौजूद इम्तियाज जुमासा को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बड़ौदा एसओजी पुलिस की टीम ने जानकारी मिलने पर पूर्वी राणा के घर पर छापेमारी की, जहां से उन्हें ड्रग के पाउडर और सिरिंज मिली। 8 थैलियों का दाम 48,100 बताया, साथ ही 24,000 के इंजेक्शन बरामद किए गए। वहीं इम्तियाज जुमासा के पास से 93,800 का एमडी ड्रग और 3 मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया, जिनकी कुल कीमत 1,20,000 रुपये बताया जा रहा है। इससे पहले भी 2018 में इम्तियाज को ड्रग के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 3 लोग शामिल हैं। मोहम्मद सफ़ी मिक्स नशा, जो ड्रग पूर्वी को सप्लाई करता था, फिलहाल वो पुलिस की चपेट से बाहर है। वडोदरा माननीय पुलिस कमिश्नर श्री द्वारा NDPS ने लगत केसो करी आ बधी नाबूद करवानी सूचना वडोदरा शहर पुलिस ने आपवामां आवेल छे। आ अनुसंधाने SOG ना हेड कॉन्स्टेबल मनोजभाई ने बातमी मळेल, जे अनुसंधाने SOG PI श्रीनी आगेवानीमां टीम बनावी पूर्वी राणा नामनी कारेलीबागमां रहती ईसमने त्यां रेड करवामां आवेली। रेड करता 96,000 उपरांतना NDPS ने लगत मुद्दामाल मळी आवेल छे। पूर्वी राणा तेमज इम्तियाज दीवान नामना बे शख्सों ने स्थल पर थी अरेस्ट करवामां आवेल छे। बन्ने आरोपीओनी अटक करी 3 दिवसना रिमांड मेळवी आगळना पूर्व इतिहास चकासणी करी अने अन्य आनुषांगिक पुराव एकत्रित करवानी कार्यवाही हाल चालुमां छे। प्राथमिक तपास दरमियान जाणवा मळेल विगत मुजब मोहम्मद सफी नामनी व्यक्ति पासेथी आ बन्ने NDPS ने लगत मुद्दामाल मेळवता पूर्वी राणाना मकानमां राखता અને ત્યારબાદ બંને પોતપોતાની રીતે છૂટક વેચાણ કરતા। આરોપીનો ઇતિહાસ તપાસતા છેલ્લા 3-1 વર્ષથી આ કામગીરી આ ગુના સાથે સંકળાયેલ હોવાનું ખુલવા પામેલ છે। અલગ અલગ સમયે અલગ અલગ રકમનો મુદ્દામાલ ખરીદતા હાલમાં પોલીસને જે મુદ્દામાલ હાથ લાગેલ છે તેની કિંમત 96,200 રૂપિયાની કિંમત છે। તપાસ ચાલુ છે, આરોપીઓ હાલમાં રિમાન્ડ હેઠળ છે અને રિમાન્ડ પૂર્ણ થયા બાદ સંપૂર્ણ વિગત જણાવવામાં આવશે। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।